Yes, it is to perform well in their exams. National Commission for Protection of Child Rights. आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अपने जरिए खराब से हमारे समाजों को मनोर करते हैं आपके बीच चीफ एजुकेशन ऑफिसर बनाना श्री कल्पेश सिंह रैना जी। जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एलिमेंट्री हैं, चाहे वो सेकेंडरी हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरी हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हैं, चाहे वो डाइट एग्जाम्स हैं, चाहे वो SCERT एग्जाम्स हैं, ये सभी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन एग्जाम्स के दौरान हमारे बच्चे जो हैं वो काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो स्ट्रेस जो है उसमें काफी हेल्प पेरेंट्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं। क्योंकि एक हमने ये देखा है कि एक रेस एक चल चुकी है और इस परसेंटेज में हमारे स्टूडेंट जो है पेयर ग्रुप में आकर अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं। तो इसको ईज आउट करने के लिए हम ऐसे सवाल जो है अपने बच्चों से कभी भी ना पूछे। हम अपने बच्चों को जो भी उसका जिस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसमें उनको हम घरों में हेल्प कर सकते हैं, हम स्कूल में उनको हेल्प कर सकते हैं। हम स्कूल में जब वो एग्जाम्स देने आते हैं टीचर इंफॉर्मेटिक सेंटर में की और उस वक्त भी हमने अपने जितनी भी मीडिया फ्रेटर्निटी ये जो एग्जाम है ये कोई पहाड़ जैसा आपको क्रॉस नहीं करना है, जैसे एक फेस्टिवल है, त्योहार है। हम प्लानिंग करते हैं दिवाली आ रही है, ईद आ रही है, नए कपड़े लाने हैं, मिठाई लानी है। इसी तरह बच्चे के मन में बिठा दो आप जो ये एग्जाम है ये एक आपके लिए ये एक त्योहार है। आप अच्छे से प्लानिंग करो, पहले से ही प्लानिंग करो कैसे पढ़ना है, प्रिपरेशन करो। हमने कभी बच्चों क्या आपको लग रहा है हम बच्चे के साथ टाइम दे के उनको समझाते कि आपको टाइम टेबल बनाना है। सबसे बड़ी बात जो है टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए बच्चा क्या असल में, ये पेरेंट्स हम ही इसके जिम्मेदार है। पर काफी प्रोग्राम्स किए हमने इसमें खींचेंगे सर, हमने सुबह से ही प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इक्वेशन सिखाई मैं उसको बोल रही हूँ दो दिन के बाद मैं इसका एग्जाम दूंगी, तो मैं उसने कितनी प्रिपरेशन की है उस प्रिपरेशन का उसका एग्जाम। अनिल जी रोशन रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जो पीपीटी उनके पास है वो हमारे साथ शेयर। लेकिन मैंने अपनी ड्रीम उसको नहीं रोका। इसी तरह एक पेपर एक क्लास में फेल होना, कम मार्क्स आना था जो हमारे चीफ एजुकेशन बारामुल्ला बलबीर साहब ने इन कोलैबोरेशन विद जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है NCPCR के साथ एक इवेंट रखा था। ये इवेंट जैसा आपको पता है कि परीक्षा पे चर्चा परीक्षा पर 6.4 के रिगार्डिंग था। तो जैसा आपको पता है कि जो परीक्षा पे चर्चा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें वो एक डायलॉग करते हैं स्टूडेंट्स के साथ स्पेशली विद रिगार्ड टू चैलेंजेस एंड स्ट्रेसेस विद एग्ज़ाम। जैसा आपको पता है स्पेशली इन आर कंट्री एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों के साथ, तो कई बार बच्चे इस एक्सपेक्टेशन के बोझ से ही बड़े डर जाते हैं और ना लॉट ऑफ टाइम्स आपको पता होगा कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, लॉट ऑफ केसेस सुसाइड भी होता है। तो इस नेचर से निकलने के लिए स्ट्रेसफुल नेचर से निकलने के लिए जो परीक्षा पे चर्चा है इस डायलॉग स्टेटिंग की जो एग्ज़ाम है इट इज़ अ सेलिब्रेशन। एग्ज़ाम सेलिब्रेशन है जो साल भर की बच्चा जो साल भर की तालीम हासिल करता है एक सेलिब्रेशन होता है कि उस तालीम को वो पेपर पे निकाले, ना कि इट्स अ एग्जामिनेशन ऑफ द बच्चा हिमसेल्फ। तो इसीलिए जो परीक्षा पे चर्चा जो इवेंट है इसमें जो दो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता होगा पिछले एक दो तीन हफ्ते पहले हमने एक इवेंट किया था डाक बंगला में जिसमें हमने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया था, उसमें स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज किया गया था कि इट्स एन एग्ज़ाम। जैसे कि आज हमारे जो NCPCR के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जो मंत्रास बताए कि इट्स एन एग्ज़ाम जो है, तो इसी के मद्देनज़र एक जो सेकंड पहलू है जिस इम्पॉर्टेंट है परीक्षा पे चर्चा वो है टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो आज आपने देखा होगा जो पेरेंट्स आए हुए थे तो उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि जो परीक्षा है एग्ज़ाम इट्स अल्टीमेटली जस्ट एन इवेंट, इट इज़ नॉट की कल्मिनेशन ऑफ द एंटायर लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में फेल भी होता है या परफॉर्म नहीं करता है उसके पास हमेशा एक सेकंड ऑप्शन रहता है परफॉर्म करने के लिए। तो उसी के लिए आई वुड लाइक टू थैंक CEO साहब फॉर कंडक्टिंग सच ए नाइस प्रोग्राम और मैं होप करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स फ्यूचर में भी हो।